top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Right. बढ़ती महंगाई ने जिस तरीके से आम आदमी की कमर को तोड़ रखा है, इस बजट से क्या अपेक्षाएं करते हैं आप? इस बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह अगले जनरल इलेक्शन के पहले का लास्ट बजट है, तो इसमें डेफिनेटली इसमें 100% सरकार कुछ ऐसे मेजर लेने आएगी ताकि उसके जनरल इलेक्शन में फ़ायदा हो, और कुछ वो मेजर्स ऐसे इनिशिएट करेगी। कुछ हो सकता है टैक्स लैब चेंजेस हों, कुछ और खर्चे कम हों ताकि आम आदमी के हाथ में पैसा ज़्यादा आए और नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। डेफिनेटली ये उम्मीद तो हम इस गवर्नमेंट से कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के पहले का ये आखिरी बजट है। जो महंगाई की मार से जो कमर टूट रही है और बजट आने वाला थोड़ी देर के अंदर, क्या अपेक्षाएँ करते हो? मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जो वो इस बजट में कम से कम ये नमी लाए, जो देश में जो आम जनता है उसके सरे उस पर खुशी का माहौल हो। हर चीज़ का स्थिति दर इतना रेट बढ़ रहा है, जो पब्लिक उसके नीचे कुचल रहा है। भारत सरकार इस स्थिति को देखते हुए भी इसको दरकिनार कर रही है। भारत सरकार ये जानते हुए कि आम आदमी के पेट्रोल का रेट, गैस का रेट और चीज़ का अन्य चीज़ का रेट इतना बढ़ा दिया है, जो आदमी पब्लिक क्या होते कुचल रही है, भारत सरकार देखते हुए उसको दरकिनार कर रही है। महंगी होती जा रही है, अभी भी जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत सुविधा है, वो भी महंगी हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? वो तो महंगी होंगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना, वो इंटरनेशनली महंगे होते जा रहे हैं, किसी का कंट्रोल नहीं, तो वो तो होगी महंगी, वो तो बियर इट, उसमें तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अदरवाइज इकोनॉमी की कॉस्ट पर जा रहा है। अब चुनाव आने वाले हैं, उसका लास्ट बजट ये आ रहा है, किसी अपेक्षाएं हैं लोगों? वो तो अपेक्षा ये है कि बैलेंस बजट होगा, मेरे ख्याल से बैलेंस बजट होगा, वो ग्रोथ भी होगी साथ में पॉपुलराइजेशन भी होगा। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती चली गई इतने बजटों में, हाँ। अभी चिदम्बरम साहब जो है 8वां बजट पेश कर रहे हैं, हाँ। लगातार कमर ही तोड़ते चले आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब क्या कुछ बचेगा? नहीं, वो तो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो वो तो टैक्सेस भी एक्स्ट्रा लगाएंगे, पता नहीं कहाँ लगाते हैं, वो तो लगाएंगे टैक्स।